हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन जैसे आपने देखे होंगे, लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन दिया होता है और राइट साइड में एक एक्सप्रेशन दिया होता है, उन दोनों को इक्वल दिखाना होता है। ठीक, तो हम जनरली क्या करते हैं प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर उसको सॉल्व करते हैं, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करें, कई जगह हम राइट हैंड साइड को भी लेकर सॉल्व करके उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल दिखाते हैं। लेकिन जो जनरल वे है वो यही है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएं। ठीक, तो इस टाइप से हम प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। ठीक, अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए जब भी हम प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। ठीक, तो अब बात करते हैं इन सिंपल से रूल्स की। तो पहला रूल है ट्राई टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक, तो जब भी आप प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखिए किसी भी एक्सप्रेशन में कि क्या आप उसके टर्म्स को साइन और कॉस में लेकर आ सकते हो। अगर आपको उसमें ऐसी टर्म्स दिखती हैं जिसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो तो सबसे पहले आप उसको साइन कॉस में ही कन्वर्ट करें, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर रहे हो या राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर रहे हो। कोशिश करें कि आप साइन और कॉस में रिड्यूस करें उसको। दूसरा है सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। तो अभी हमने बात करी थी प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस को हम जनरली लेफ्ट हैंड साइड लेकर ही सॉल्व करते हैं या कभी कभी हम राइट हैंड साइड लेकर भी सॉल्व कर लेते, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके वो डायरेक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता या राइट हैंड साइड को डायरेक्टली सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आता। तो हमें क्या करना होता है ऐसे केसेस में, पहले हम सेपरेटली लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसको एक स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन में रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, या स्मॉलेस्ट वैल्यू में रिड्यूस कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सेपरेटली सॉल्व करेंगे और उसी स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन या वैल्यू में उसको कन्वर्ट करेंगे जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को किया था। तो इस तरह से हम उन दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। जो तीसरा रूल हमें ध्यान रखना चाहिए वो है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कई प्रूविंग टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, उस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और तब जाके उसको आगे अप्रोच करना पड़ता है। अगला जो रूल है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है वो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द एक्सप्रेशन बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कई बार हमारे पास एक्सप्रेशन दिया होगा जो किसी और तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास उस एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर है उसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। बस क्या करना है, जो एक्सप्रेशन हमारे पास था डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज कर लेना है और तब जाके उस क्वेश्चन को आगे अप्रोच करते हैं। तो जो अगला रूल है इसमें हमारे पास वो है यूजिंग फॉर्मूला और आइडेंटिटी। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज करके उसको आगे सॉल्व करना होता है। तो जो अगला रूल जो हमें ध्यान रखना है वो है सॉल्विंग आरएचएस। तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस में हम लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच कर रहे होंगे लेकिन उससे चीजें बन नहीं रही होंगी, तो कई बार ज्यादा बेटर ये होता है कि हम उसकी आरएचएस को पहले सॉल्व करें, यानी उसके राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करें और उसको इक्वल दिखा दें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। ठीक, तो जो लास्ट रूल आपको ध्यान रखना है वो है मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ द गिवन रूल्स। तो हमने जितने भी अभी रूल्स डिस्कस करे हैं कई क्वेश्चंस में वो एक साथ दो या तीन या इससे भी ज्यादा एक साथ यूज हो रहे होते हैं। ठीक, तो उसी को हमने कहा है मिक्सचर ऑफ एनी ऑफ द गिवन रूल्स। तो ये रूल्स आपको डायरेक्टली बुक में नहीं मिलेंगे, ये आपको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद चीजें समझ में आएंगी, तो इसलिए ये चीजें मैंने पहले ही आपको बता दी ताकि आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करने में सॉल्व करने में आसानी हो। तो आई होप जो रूल्स हमने आज डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।